अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी और आप देख रहे हैं AQ TV के ऊपर हमारा मंथली ज़ोडिक साइंस के हवाले से मंथ ऑफ अगस्त का प्रोग्राम। जी नाज़रीन, जैसे ही हमारे जहन में मंथ ऑफ अगस्त का नाम आता है यानी कि अगस्त के महीने का नाम, तो सबसे पहले जो है हमें पाकिस्तान की आज़ादी का दिन जो है वो याद आ जाता है। और इस हवाले से अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल इस साल इस वजह से भी है क्योंकि इस महीने में ईद जो है वो भी यौम अगस्त की, 14 अगस्त की आज़ादी से दो दिन पहले जो है इंशाल्लाह 12 अगस्त को मनाई जाएगी, जो कि 11 अगस्त का दिन जो है हज बैतुल्लाह का दिन होगा, जिस दिन जो है पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक जो है हज जो है वो इंशाल्लाह आज़मीन हजाज कराम जो है उसकी अदायगी करेंगे। और इसी हवाले से मैं आपको बहुत ही अहमियत का हामिल एक कॉल जो है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का, वो आपकी नज़र जो है वो हदिया करता हूँ। इमाम का कॉल है, हज ममनू होने से पहले हज अदा कर लो। ये कॉल क्यों इस अहमियत और अफादियत का हामिल है, क्योंकि आपको इल्म है कि इमाम या मासूमीन जो हैं या हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नज़र जो है ता क़यामत तक जो उम्मत मुस्लिमा है उसके ऊपर रहती है, और उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ जो है तमाम उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए जो है उनके अकवाल किसी ना किसी दौर में हमारे लिए अहमियत और अफादियत का ज़रिया बनते रहते हैं। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह हज एक आम आदमी की इस्तेआत से बाहर निकलता चला जा रहा है, जितना ज़्यादा उसमें एक्सपेंसेस और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, एक आम आदमी ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो अपना ये हज का जो फरीज़ा है वो बाएसन खूबी जो है वो अंजाम दे ले। इसके अलावा इसके बहुत सारे सियासी पस मंज़र और सियासी पहलू जो हैं वो भी इसमें शामिल हाल रहते हैं। स्पेशली कुछ साल पहले जब सऊदी अरब के बॉर्डर्स के ऊपर शाम की वजह से जंगें जो हैं वो मुसल्लत की जा रही, तो ये चीज़ जो है तब भी ये कॉल इमाम का हमारे माइंड में बार बार जो है मुतवातर से आता रहता है। तो इसी हवाले से हमारा मंथ ऑफ अगस्त का जो मैगज़ीन है वो मार्केट में आ चुका है। आप अगर इसका मुताला करना चाहें तो हमारे पास बहुत ही ब्रीफ आर्टिकल्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, और ना सिर्फ इसके ऊपर हमारे पास उसमें आर्टिकल्स मौजूद हैं बल्कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान में जमहूरी मार्शल ला लग चुका है फाइनली और पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो पनप रही है, तो इस हवाले से भी आर्टिकल्स जो हैं इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे। और क्या अभी तक इंडिया और पाकिस्तान की जंगों के आपस में बादल जो हैं हमारे सिरों के ऊपर मंडला रहे हैं, इस हवाले से भी मैगज़ीन आपको मंथ ऑफ अगस्त में ज़रूर मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर के ऊपर आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि आज हम आपके पास जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन हमारे पास है एरीज़, उसके बारे में आपको बताएंगे। एरीज़ वाले जो हैं अपना मंथ ऑफ अगस्त जानना चाहें तो उसके लिए हम आपको बता दें कि मंथ ऑफ अगस्त एरीज़ वालों के बहुत ज़्यादा अहमियत और हामिल का मंथ रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ज़ोडिक साइन एरीज़ जो है आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट जो है आपके ज़ाइचन स्पेशली पांचवें घर में मुकीम है, और ना सिर्फ यहाँ पर वो खुद वाहिद अकेला है, यहाँ पर वो वीनस के साथ इसकी पोजीशन जो है यहाँ पे फिफ्थ हाउस में मौजूद है। और वीनस आप लोगों को इल्म है कि जैसे मोहब्बत और अहमियत और अफादियत और दूसरों से मेल मुलाकात और दूसरों से किसी भी तौर के ऊपर अपने काम को बखूबी एहसन जो है वो अंजाम तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहता है, और ना सिर्फ ये, यहाँ पर आप लोगों का फिफ्थ हाउस का अपना ज़ाती लॉर्ड प्लैनेट सन जो है यहाँ पे इब्तदाए मंथ में अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए आप लोगों को दोहरी तौर के ऊपर फ़ायदा जो है इंशाल्लाह दिलाएगा। और ऐसे तमाम एरीज़ के हामिल यानी कि बुर्ज हुमल के हामिल जो अफराद हैं वो अगर अपनी मोहब्बत को शादी के ऊपर मंतहा करना चाहते हैं तो इस हवाले से भी आपका ये मंथ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहेगा। इसके अलावा अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के हवाले से आपके जो रोज़ शब हैं उसके हवाले से आपको राहत जो है उनकी ज़ात की तरफ से मिलेगी, आपके कोई भी काम उनकी तरफ से पेंडिंग चले आ रहे हैं या अगर आप चाहते हैं कि उनकी फरमा बरदारी हो जाए, उनकी अतात जो है वो आपके हक़ में अच्छी और बेहतर होती चली जाए, तो ये
चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और खुश अखलाकी का बायस बनेगी कि औलाद आपकी मती और फरमा बरदार रहेगी। और नॉट सिर्फ ये, अगर आप किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी अपनी पसंद की हवाले से शादी जो है उसकी बातचीत का आगाज़ करें, या इवन ऐसे तमाम बुर्ज हमल के हामिल अफराद जो अपनी शादी के हवाले से परेशान चला आ रहे हैं, तो इस मंथ में कोशिश करने से इंशाल्लाह ये जो हमारे पास यहाँ पे ईद उल अज़ा आ रही है, यकीनी तौर के ऊपर इसके करीब करीब जो है आप लोगों की शादी की बात जो है वो फ़ाइनल होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। और ना सिर्फ ये, क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस महीने में तीन ईदें आएंगी। एक तो ईद उल अज़हा, जैसे कि आप लोगों को इल्म है, इसके अलावा ईद गदीर जो है वो भी इसी महीने में आती हुई नज़र आ रही है, और इसके अलावा ईद मुबाहला। तो ये तीन ईदें इस महीने में होने की वजह से एज़ आ मुस्लिम और एज़ आ मोमिनीन जो है हमारे लिए अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहेगा। स्पेशली बुर्ज हमल के हामिल जो अफराद हैं, इनके लिए हम लोग अगर देखें तो आपका जो फाइनेंस का प्लानट है, फाइनेंस का प्लानट आपका जो कि आमदन और वसीले का प्लानट जो है, अगर आप किसी इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो इस हवाले से भी आपका मंथ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर आपको प्राइज बॉन्ड्स खरीद कर रख रहे हैं या ऑलरेडी से आपके प्राइज बॉन्ड्स आपके पास मौजूद हैं, तो आपको गैबी तौर के ऊपर अल्लाह की मदद और नुसरत जो है ये इंशाल्लाह हासिल रहेगी। और ना सिर्फ ये बल्कि इब्तदाई महीने में मुश्तरी जो कि खुशबख्ती और रूहानियत का प्लानट है, ये भी आपके जायचे में नौवें घर में, आपके नसीब के घर में, और जो कि इन फितरती तौर के ऊपर जुपिटर का अपना हाउस है, यहाँ पे इसकी पोजीशन बरकरार है। और यहाँ पे जुपिटर जो है वक्ती तौर के ऊपर तो रेट्रोगेड है, लेकिन इसने डायरेक्ट हो जाना यानी कि मुस्तकीम हालत में आ जाएगा इंशाल्लाह इसी महीने में जाके 12 तारीख के बाद, 12 अगस्त के बाद से मुश्तरी जब रिजत से निकल के इस्तकामत पजीर हो जाएगा तो आपके तमाम तर मामलात स्पेशली आपका नसीब यावरी कर सकता है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कोई अपने हायर एजुकेशन के हवाले से कोई एडमिशन्स वगैरह किसी बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ में लेना चाह रहे हैं, या इसके अलावा जो है आप कोई ख्वाहिश रखते हैं किसी रूहानी सफ़र के ऊपर, ज़ियारात, उम्रा या हज के हवाले से अगर आपकी ख्वाहिश है, तो वो भी इंशाल्लाह आपकी इस महीने में पूरी होती हुई नज़र आएगी कि आप अगर ज़ियारात मुकद्दसा के सफ़र के ऊपर जाना चाह रहे हैं और उसके लिए आप ख्वाहिश रखते हैं, तो मुमकिन तौर के ऊपर आपकी ये ख्वाहिश जो है गैर यकीनी तौर के ऊपर से पूरी होती नज़र आ रही है। इसके अलावा मज़हब और रूहानियत के साथ आपकी जो दिलचस्पी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर रहेगी। और इसके अलावा अगर हम लोग आपके प्लैनेटरी पोजीशंस देखें तो आप लोगों का जो प्लैनेट है स्पेशली मार्स मरीख जो है, इसकी इस महीने में दो अहम नज़रें जो है वो बनती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि 25 और 26 अगस्त को एक पहली नज़र बनेगी जो कि जुहरा यानी कि वीनस के साथ इसकी क्रान की ट्रांजिट है। और ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से रहेगी कि आपके रोमानवी और मोहब्बत के जो मामलात हैं ये पनपते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी दूसरों के साथ जज्बाती वाबस्तगी जो है ना सिर्फ ये बढ़ जाएगी बल्कि आप चाहते हैं अगर कि उनकी ज़ात की तरफ से आपके कुछ मामलात जो कि पहले इतने अच्छे नहीं चल रहे थे, तो ये जो महीना है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशली 25-26 अगस्त के बाद से आपके दूसरों की तरफ से जो भी ख्वाहिशात हैं जो पेंडिंग चली आ रही हैं, या आपके कुछ ऐसे अमूर हैं जो उनकी ज़ात की तरफ से बिला वजह जो है प्रॉब्लम्स का शिकार थे, तो तमाम तर प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल जो है इंशाल्लाह आपके इन अय्याम में हल होते हुए नजर आएंगे। और मुमकिन तौर के ऊपर अगर आप किसी के साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स के ऊपर किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम फ्रेम भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा। और ना सिर्फ ये, आपकी सेहत जिस्मानी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सेहत जिस्मानी अच्छी होने की वजह से गैर यकीनी तौर के ऊपर आपकी जो बीमारी बिला वजह की आपके प्रॉब्लम्स, आपके कोई दर्द, कोई जोड़ों के प्रॉब्लम जो चल रहे थे वो ना सिर्फ ख़त्म होते हुए नजर आएंगे बल्कि मुमकिन तौर के ऊपर आपकी अगज़िया और अदविया जो हैं उनमें भी बेहतरी आती चली जाएगी। इसके अलावा आपका जो सेकेंड प्लानटरी पोजिशन बन रही है वो जाके बनेगी 28 और 29 अगस्त को। 28 और 29 अगस्त को मरीख और यूरेनस की तसलीस की ये भी एक अच्छी नज़र है, और इस प्लानटरी पोजिशन की वजह से आप में कायदाना सलाहियत जो है वो निखर के सामने आएगी। आप दूसरों को लीड कर सकते हैं, दूसरों को बेहतर तौर के ऊपर वे आउट दे सकते हैं, उनके मसाइल का हल उनकी ज़िंदगी में देते हुए नजर आएंगे। और ना सिर्फ ये, आप दूसरे अफराद के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं उसके अलावा जो आपकी ज़ाती और इनफरादी सोच है, आपकी पर्सनल इनफरादी सोच जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर रहेगी, और मजबूत कुव्वत इरादी और मजबूत कुव्वत फैसला जो है ये आपकी अगस्त के महीने में किए गए मुस्तहकम फैसले और दूर अंदेशी के फैसले जो हैं आपके फ्यूचर के जो मामलात हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छे और बेहतरी के इकदाम आपके लिए इंशाल्लाह ला सकेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडियक साइन की जानिब। टॉरस यानी कि बुर्ज
सौर, बट जो सौर के हामिल जो अफराद हैं उनका जॉडिक साइन जो आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट है वीनस, जिसको जोहरा और मोहब्बत की देवी भी कहा जाता है, ये 1st of August से लेके 20th of August तक जो है रहेगा आपके जाइचे के 4th हाउस में, यानी कि वतदुल अर्ज में। और यहाँ पे इसकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है, आपकी खानगी खुशहाली, आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की सेल परचेज, इवन आपकी जो सवारी है, आप अपनी सवारी के हवाले से कोई मामला जो है ख़रीदो फरोख्त करना चाह रहे हैं, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं अपनी सवारी की तब्दीली की, या अगर आप कोई व्हीकल वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए। 1st से लेकर 20 अगस्त तक का जो टाइम फ्रेम है, ये आपके लिए मुमकिन तौर के ऊपर अच्छा और खुशाइंद रहेगा। और खानगी मामलात जो हैं इनमें आपकी जो तमाम तर खुशियाँ और इसके अलावा आपकी जो ख्वाहिशात दूसरों से मुंसलिक हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो मुमकिन तौर पर पूरी होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई खास मकासद के तहत ट्रैवल कर रहे हैं अपने तजदीद मरासम के हवाले से, आप अपने अजीज़ो कारिब रिश्तेदार और अपने बहन भाई जो कि नाराज़ हैं उनके साथ तजदीद मरासम के लिए, उनसे मुमकिन तौर के ऊपर जो परेशानियां हैं उनको हल करने के लिए अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र जो है ये इंशाल्लाह आपके लिए वसीला ज़फ़र बनेगा। और ना सिर्फ ये, सफ़र से नित नए आइडियाज़ और आपके काम में जिद्दत लेके आने के जो मामलात हैं, आपकी ज़हनी तौर के ऊपर कैफियत जो है उसको भी मुमकिन तौर के ऊपर बदल के रख देगा। इसके अलावा आपकी जो प्लैनेटरी पोजीशन जोहरा की है, जब 21 अगस्त के बाद जाके ये अपनी प्लैनेटरी पोजीशन यानी कि अपना हाउस चेंज करेगा, जाके आपके जायचे के 5th हाउस में आ जाएगा, तो 5वें घर में यहाँ पे इसकी प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए औलाद के हवाले से, आपके मोहब्बत के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव और मुतहरिक रहेगी। आपके मुमकिन तौर के ऊपर वक्ती तौर के ऊपर रोमानवी मामला जो है सेंसिटिव ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन आगे चल के यकीनी तौर के ऊपर मामला जो है इनमें आपको भरपूर फ़ायदा और यकीनी तौर के ऊपर अमूर जो है ये बेहतर और मुस्तहकम नज़र आएंगे। इसके अलावा मुमकिन तौर के ऊपर अगर हम आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस देखें, तो यहाँ पर आपके लिए दूसरे अफराद के साथ मिल के कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ को लेके चलना, या अहम तकरीबात का इनेकाद या उनमें शमूलियत जो है आपके हल्का अहबाब की यकीनी तौर के ऊपर बेहतरी का बायस बनेगा। आपके हल्का अहबाब में वसत आ सकती है और मुमकिन तौर के ऊपर कुछ ऐसे अहबाब आपकी ज़िंदगी में शामिल होते चले जाएंगे इस मंथ में, जो मुस्तकबिल करीब में आगे चल के आपके लिए फेवरेबल पोजिशन जो हैं आपके हक में ज़रूर रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग आपकी प्लैनेटरी पोजिशन देखें, तो आपका स्पेशली इस महीने में बहुत ही अहम प्लैनेटरी पोजिशन जो है बन रही है। मंथ का आगाज जो है ये कुछ इतने ज्यादा अच्छे प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ नहीं होगा, लेकिन आगे चल के प्लैनेटरी पोजीशंस जो है यकीनी तौर के ऊपर मंथ का जो इख्तिताम और वस्ती पोर्शन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा और मुतहरिक और बेहतर लेके आएगा। 2 और 3 अगस्त को आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट वीनस जो है ये यूरेनस के साथ तरबी बनाएगा। ये तरबी की जो नज़र है कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी और खुशाइन नहीं रहेगी, यहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। जो 1st week of August है इसमें अपनी सोच और अपने अल्फाज का चुनाव जो है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा रखने की कोशिश कीजिएगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा, तो मुमकिन तौर के ऊपर आपके मामला बेहतर रहेंगे। इसके अलावा अगर आपकी गैर यकीनी तौर के ऊपर सूरत हाल जो है वो चेंज हो रही है, आपकी फीलिंग्स आपके ख्याल आपकी सोच जो है वो गैर मुस्तकिल मिजाजी की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें कोशिश करेंगे आपके जो स्पेशली मुखलिस अहबाब हैं, आपके जो अजीज़ो कारिब हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं जो माजी में आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे मामला जो हैं वो अंजाम दे चुके हैं, उनके साथ अपनी मुशावरत को यकीनी बनाएं, खुद जो है अपने डिसीजंस लेने से अवॉइड करें, दूसरों के डिसीजंस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और फ़ायदेमंद रहेंगे। ये चीज़ आपको 1st week of August में करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपका कोई बिहेवियर चेंज आ रहा है, आपकी कुछ आदत चेंज हो रही हैं और कुछ मनफी रुझान बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा सब्र करें, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें, तो इंशाल्लाह 2nd week of August में यकीनी तौर के ऊपर आपकी चीज़ें जो हैं यकसर बदल जाएंगे, क्योंकि 2nd week of August में 9 और 10 अगस्त को होने जा रहा है जोहरा और मुश्तरी के एक बहुत ही खूबसूरत तसलीस की नज़र, और ये दोनों ही बहुत ही अहमियत के हामिल प्लैनेट हैं और बहुत ही मुस्बत और पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, तो ये प्लैनेटरी पोजीशन जो है ये आपके लिए लेके आएगी अहम तकरीबात में शमूलियत। ना सिर्फ अहम तकरीबात में शमूलियत बल्कि यकीनी तौर के ऊपर कुछ अहम तकरीबात जो हैं आप ख़ुद उनको लीड कर सकते हैं, उनका इनेकाद कर सकते हैं, और उनमें शमूलियत या इनेकाद की वजह से आपका हल्का अहबाब जो है ये वसत अख्तियार करेगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बुज़ुर्ग मुखलिस अहबाब जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, जो कि आगे चल के आपकी ज़िंदगी का रुख जो है वह यकीनी तौर के ऊपर एक पॉजिटिव वे की तरफ ले आएंगे, चेंज कर सकते हैं आपके सोचने समझ
समझने की सलाहियत, आपका दूसरों से टॉकिंग स्टाइल, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी मुमकिन तौर के ऊपर इस अच्छी और खूबसूरत नज़र की वजह से चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ आपके अंदर आएंगी। मज़हब और रूहानियत और स्पेशली दूसरों से मिलनसारी का जो जज्बा है ये यकीनी तौर के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा सखावत जो है आपकी ज़ात में बढ़ जाएगी, आप दूसरों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाने के हवाले से कुछ ना कुछ करने का जज्बा जो है ये अपने अंदर ज़रूर यकीनी तौर के ऊपर रखेंगे। इसके अलावा 14 और 15 अगस्त को बनने जा रहा है जोहरा और सन, इन दोनों का किरान का एक ट्रांजिट बनेगा। सन के करीब जब भी कोई प्लैनेट आ जाता है, सन उसकी अपनी ताकत की वजह से उसको गरूब कर जाता है, कम्बस्ट कर देता है। लेकिन इसके बावजूद ये जदीद एस्ट्रोलॉजी में जो नई नई एस्ट्रोलॉजी की रिसर्चेज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली ये प्लैनेटरी पोजीशन जो है इसको अच्छा माना गया है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो आप में क्रिएटिविटी बढ़ती हुई नज़र आएगी, आपके काम में जिद्दत आ सकेगी। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, बिज़नेस कर रहे हो, मुलाजमत कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आपके काम में जिद्दत लेके आने के जो अमूर हैं आपके सोच में ज़रूर बेहतरी आएगी। इसके अलावा सोच में वसत आती हुई नज़र आ रही है, आपके जो प्रैक्टिकल मैटर्स हैं जो आप वक्ती तौर के ऊपर अपनी सिर्फ़ और सिर्फ कम अकली की वजह से या नासमझी की वजह से उनको ख़राब कर रहे थे, ये तमाम तर चीज़ें जो आप बेहतर तौर के ऊपर उनको टैकल कर लेंगे, और चीज़ें ना सिर्फ टैकल होती हुई नज़र आएंगी बल्कि मसाइल का हल यकीनी तौर के ऊपर मिलेगा, और आपका इज्जत और वकार जो है ये दूसरों की नज़रों में बढ़ सकेगा। इसके अलावा पॉजिटिव इमोशंस का भरपूर इजहार जो है ये प्लैनेटरी पोजीशंस आपके मुकद्दर में रखेगी कि आप जो सोच रहे हैं, जो दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं या अपनी ज़ात के हकूक़ के लिए कोई आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस का एनर्जी लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने हक की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं या दूसरों की ज़ात के बारे में जो फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं उनका इजहार आप यकीनी तौर के ऊपर कर सकेंगे, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर रहेंगी। इसके अलावा 25 और 26 अगस्त को जोहरा और मार्स किरान की नज़र बनने जा रही है, ये वो प्लैनेटरी पोजीशन है जिसमें आपको सेहतमंद इकदामात मिलेंगे, सेहतमंद मुकाबले दूसरों के साथ मिलकर आप जो है उनको आगाज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी, फिज़िकली बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, कोई एक्सरसाइज वगैरह जो है वो अपनी लाइफ में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ही एक्टिव, मुतहरिक और हर काम में जो है वो पेश फील करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा क्रिएटिंग आर्ट और डेकोरेशन का एक मामला जो है वो भी आपकी ज़िंदगी में पनपता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसी ख़वातीन जो कि घरेलू तज़ीनों आराइश करनी चाह रही हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रहेगी कि आप लास्ट वीक ऑफ अगस्त जो है अपने घर की सेटिंग वगैरह या घरेलू तज़ीनों आराइश के हवाले से कोई भी काम अगर करना चाहें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद मामला जो है आपको इस महीने में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरों के साथ मिल के अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं मुश्तरका बुनियादों के ऊपर या किसी के साथ ख़ास मकासद के तहत कोई काम आप अपने ज़ाती मकासद को पूरा करने के लिए, सिर्फ उस मामले के लिए अगर आप किसी के साथ मिल के कुछ जॉइंट वेंचर्स करना चाह रहे हैं तो ये पोजीशन भी आपके लिए लास्ट वीक ऑफ अगस्त जो है ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। इसके अलावा रोमानवी मामला जो है ये भी यकीनी तौर के ऊपर आपकी लाइफ में लास्ट वीक ऑफ अगस्त में मुमकिन तौर के ऊपर मुस्बत और प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंगली बेहतर और यकीनी तौर के ऊपर अच्छे रहेंगे। आपके पहले से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई कन्फ्यूजन चल रही थी या आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह ज़रूर रागिब रखेगी और आपका सोच जो है ये पॉजिटिव रहेगी, सोच में मोहब्बत का मेयार का जो लेवल है ये बेहतर रहता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 27 और 28 अगस्त को वीनस और यूरेनस की तसलीस की एक मुमकिन तौर के ऊपर अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप दूसरों के ऊपर सबकत ले जाने के हवाले से अगर कोई भी इकदाम करना चाह रहे हैं, आप दूसरों से आगे निकलने के लिए या उनके साथ एक सेहतमंदाना मुकाबले का आगाज करना चाह रहे हैं और उसमें चीजों को बेहतर करना चाह रहे हैं तो यह चीज जो है आपके लिए मुनफरिद एक्सप्रेशन का इजहार लेके आएगी। आप ऐसा मुनफरिद ख्यालात जो है उसका इजहार कर सकते हैं जो दूसरों की सोच से आगे निकलेगा, जिसकी वजह से आपकी इज्जत वकार का ग्राफ जो है यह भी दूसरों की नजरों में बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपकी शेयरिंग एक्साइटमेंट जो है वो आपको इनर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगी, यानी कि आप दूसरों के साथ अपने ख्यालात को शेयर कर रहे हैं, अपने मामलात को शेयर कर रहे हैं या आप उनको इखलाकी या माली मावनत फराहम कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको इंटरनली तौर के बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव रखेगी, कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से चीज़ें जो है आपके लिए मुमकिन तौर के ऊपर अच्छी और खुशायद रहेगी।
اور یقینی طور کے اوپر آپ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیت جو ہے یہ بھی بڑھنے کے معاملات جو ہیں اس پلینٹری پوزیشن میں رہیں گے، جس کی وجہ سے منتھ آف اگست کا جو اختتام ہے یہ آپ کے فیوچر کے لیے، یعنی کہ منتھ آف سپٹمبر کی جو پلاننگ ہے یہ بھی آپ کی زندگی میں شامل حال رکھے گا۔ تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے زوڈک سائن کی جانب۔ جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا، برج جوزا کے حامل جو افراد ہیں آپ لوگوں کا لارڈ پلانٹ مرکری پچھلے مہینے میں، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ریٹروگریڈ چل رہا تھا، اور جو لاسٹ منتھ ہے جولائی کا یہ آپ نے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز میں اور چیزوں میں ڈیلے جو ہے ممکنہ طور کے اوپر اس میں گزارا ہوگا۔ بلا وجہ کے التباع اور بلا وجہ کی مس انڈرسٹینڈنگز، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ نے مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پرابلمیٹک فیل کیا ہوگا۔ لیکن یہ منتھ جو ہے اگست کا منتھ، یہ اکثر آپ کے لیے ایک تبدیلی کا منتھ ثابت ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں آپ لوگوں کا لارڈ پلانٹ مرکری جو ہے یہ 2 تاریخ کو ڈائریکٹ یعنی کہ مستقیم پوزیشن میں آ جائے گا، اور یہاں سے 2 اگست سے لے کے 11 اگست تک رہے گا آپ لوگوں کے زائد چکے آمدن اور پیسے کے گھر میں، یعنی کہ فائنینس کے گھر میں، اور یہاں پہ یہ آپ کی آمدن کو بڑھانے کے جو مواقع ہیں، جو وسائل ہیں، یہ آپ کو مہیا کرتا ہوا نظر آئے گا، جس کی وجہ سے ممکنہ طور کے اوپر آپ کے ایسے معاملات جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اقدامات اپنی فائنینشلی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے یا کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، تو مرکری کا ڈائریکٹ ہونا اور آپ کے آمدن اور پیسے اور اس میں اضافے کے گھر میں ہونا یقینی طور کے اوپر آپ کو بھرپور فائدہ جو ہے اس مہینے انشاءاللہ فرسٹ 10 ڈیز جو ہیں ضرور دلائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ اتارت جو ہے یہ 12 تاریخ کو آپ لوگوں کے چلا جائے گا زائد چکے 3rd ہاؤس میں، یعنی کہ آپ کے عزیز و قارب، بہن بھائی، ریلیٹیوز اور کانفیڈنس لیول کے گھر میں، اور یہاں پہ یقینی طور کے اوپر یہ آپ کو فائدہ دلائے گا۔ اگر آپ کسی خاص مقاصد کے تحت سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، یا اگر آپ نے عزیز و قارب بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو یقینی طور پر آپ کو ممکنہ طور پر چیزیں جو ہیں یہ بھرپور فائدے کی طرف دلائے گا۔ اس کے علاوہ مرکری کی پلانٹری پوزیشنز اس مہینے میں آپ لوگوں کے لیے سفر، بیرون ملک سفر، نصیب یاوری کرنے کے معاملات، یا کسی کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کے حوالے سے اگر آپ کچھ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ایسے طالب علم حضرات جو کہ پریشان چل رہے تھے اپنی کسی نہ کسی اسٹڈی کے حوالے سے، یا اگر آپ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، بیرون ملک اسٹڈی کے حوالے سے، اگر آپ کوئی اپنا ویزا یا اپنی کوئی ایڈمیشنز وغیرہ جو ہیں اس کو فائل اپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پلانٹری پوزیشنز آپ کے لیے اس مہینے میں 12 اگست سے لے کے اینڈ آف دا اگست جو ہے بہت زیادہ اچھی اور بہتر رہے گی، کہ یقینی طور کے اوپر اگر آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے بیرون ملک سفر یا ویزا یا ایون کہ اس کے لیے ایڈمیشن کے لیے بھی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تمام مہینہ جو آپ کے لیے ان شاء اللہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ آپ لوگوں کی پلانٹری پوزیشنز دیکھیں، تو یہاں پہ بہت ہی اہمیت کے حامل 2 پلانٹری پوزیشنز جو ہیں برج جوزا کے لیے جو ہیں بنتے ہوئے جا رہی ہیں، جس کے لیے پہلی نظر جو ہے یہ 17 اور 18 اگست کو بنے گی، جو کہ اتارت اور یورانس تربی کی نظر ہے۔ یہ وہ پلانٹری پوزیشن ہے جس میں آپ کو مڈ آف اگست جو ہے یہ بہت زیادہ احتیاط کی طرح گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کے لیے مس انڈرسٹینڈنگز، آپ کے کمیونیکیشن میں بلا وجہ کا ڈیلے، یا دوسروں کے ساتھ آپ کے جو کام چل رہے ہیں اس میں بلا وجہ کی تاخیر، یا آپ کے حسب منشا معاملات نہ ہونے کی وجہ سے وقتی طور کے اوپر مایوسی جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر منڈلا سکتی ہے، لیکن اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کریں، اپنا کمیونیکیشن لیول جو ہے اس کو بحال رکھنے کی کوشش کریں گے، تو چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ کافی حد تک جو ہے مینٹلی طور کے اوپر آپ کو اپنی خیالات جو ہیں ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ جو کہ منتشر ہے اس کو ایک جگہ سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ اس ٹائم فریم میں اپنے مخلص دوست، عزیز و قارب، اپنے بزرگ، ان کے ساتھ اپنے روابط جو ہیں ان کو آپ بحال اور برقرار رکھیں۔ یہ وہ پلانٹری پوزیشن ہے جہاں پہ آپ اپنے عزیز و قارب، دوست احباب اور اپنے مخلص احباب کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر رکھیں گے، تو چیزیں آپ کے حق میں اچھی اور بہتر ہوتی چلیں گی، آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی رہے گی، آپ کے ساتھ مخلص احباب کے روابط اچھے رہیں گے، تو یقینی طور کے اوپر چیزیں جو ہیں یہ آپ کے حق میں اچھی اور بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اس مہینے کی برج جوزا کے حامل جو افراد ہیں ان کی جو دوسری پلانٹری پوزیشن بننے جا رہی ہے 21 اور 22 اگست کو، یہ وہ پلانٹری پوزیشن ہے جس میں اتارت اور مشتری کی تثلیث کی بہت ہی خوبصورت اور اچھی اور پازیٹیو پلانٹری اسپیکٹ بنے گی، جس کی وجہ سے تمام تر جوزوی افراد جو کہ پہلے سے پریشان چلے آ رہے تھے، اسپیشلی جو پچھلا مہینہ آپ لوگوں نے بلا وجہ کے التباع، تاخیر اور اپنی چیزوں میں ڈیلے میں گزارا ہے، تو یہ وہ پلانٹری ایکسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ مہینہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور یقینی طور کے اوپر بہتر اور پازیٹیو رہے گا، بلکہ اس پلانٹری پوزیشن میں اپنے کی گئے
डिसीजंस, अपनी प्लानिंग जो है वो आप अगले महीने में भी जाके इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे, तो यकीनी तौर के ऊपर आपकी चीजें जो है वो बेहतर तौर के ऊपर पनप सकेंगी, क्योंकि ये वो प्लेनेटरी पोजीशन है जिसमें आप मुकम्मल तौर के ऊपर हालात की अकासी करते हुए एक बेहतर और मजबूत डिसीजन जो है वो लेने की पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि माजी में जो आपके लिए डिले रहे, माजी में जो लोगों ने आपको धोखा दिया, चीट किया, फ्रॉड किया, या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस उनसे मुंसलिक थी और वो ऑन टाइम पूरी नहीं हो सकी, तो ये वो टाइम फ्रेम है जिस में आप दूसरों के साथ मिलकर कोई भी काम करना चाहें या माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंगली चीजों को प्लान आउट करना चाहें, तो ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आप मुमकिन तौर के ऊपर जॉब्स भी अफराद जो हैं अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकेंगे और मुस्तकबिल करीब के हवाले से मुस्बत डिसीजन जो हैं आपकी हिकमत अमली में वजह रहेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडियक साइन की जानिब। برج سرطان یعنی کہ کینسرینز کے حامل جو افراد ہیں، برج کینسر کے حامل، منتھ آف اگست جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھا اور خوش آئند اس حوالے سے رہے گا، کیونکہ اس منتھ میں آپ کا جو لارڈ پلانٹ مون ہے تمام مہینے 12 منکت البروج کی گردش کرتے ہوئے سیر کنا رہتے ہوئے آپ لوگوں کو یقینی طور کے پر اس مہینے میں اچھے ایام جو ہیں ان سے بھی روشناس کرائے گا اور کچھ برے تجربات جو ہیں ان سے بھی آپ کو پہلے سے پلان آؤٹ کر لینا چاہیے۔ تو ایسے کون سے ایام ہیں جو اس مہینے میں آپ لوگوں کے لیے خراب رہ سکتے ہیں؟ یہ وہ پلانٹری پوزیشن ہے جس میں آپ لوگوں کا جو لارڈ پلانٹ مون ہے وہ ناقص پوزیشن یا ناقص برج میں رہے گا، تو وہ ایام ہے 12-13 اگست، اس کے علاوہ 17 اور 18 اگست، یہ وہ چار دن ہیں جن میں آپ کو پہلے سے چیزوں کو پلان آؤٹ کر لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں کو کس طرح لے کے بہتر چلنا ہے، اور ان چاروں دنوں میں کوئی بھی نئے کام کی ابتدا کرنا آپ کے لیے اتنا زیادہ خوش آئند نہیں رہے گا، تو آپ بہت زیادہ اوائڈ کریں، اپنی چیزوں کو پلان آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جو اچھے اور سعد ایام آپ لوگوں کے لیے رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ہیں 21 اور 22 اگست، اور اس کے علاوہ 26 اور 27 اگست، یہ وہ چار دن ہیں جس میں آپ کوئی بھی نئے کام کی ابتدا کرنا چاہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے میل ملاقات، اپنی پارٹنرشپ کے حوالے سے معاملات، اپنی ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے چیزوں کو بہتر، یا اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور اپنی اولاد کے حوالے سے معاملات، ان کے روز و شب کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ وہ ایام ہیں جن میں آپ یقینی طور کے اوپر بھرپور استفادہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم تمام آسمانی بروج کا جو ملکی وے کا ایک نقشہ ہے آپ لوگوں کے زوڈک سائن کے اکارڈنگلی اس کو دیکھیں، تو آپ کا جو مہینے کا آغاز ہے، آپ کا اپنا زوڈک پلانٹ آپ کے آمدن اور پیسے کے گھر میں، اور یقینی طور کے پر اس کا اپنا لارڈ پلانٹ جو کہ برج لیو والوں کا سن بنتا ہے، جو کہ آپ کے کینسرینز کے آمدن، پیسہ اور آپ لوگوں کے پیسے میں اضافے کے جو اقدامات ہیں اس سے ریلیٹ کرتا ہے، تو یہ پلانٹری پوزیشن آغاز مہینے سے ایک اچھی نظر کی پوزیشن یہاں پہ رہے گی، کیونکہ شمس و قمر کا کیران ہو رہا ہے اور ایک نئے چاند کی ابتدا جو ہے یہاں پہ ہونے جاری ہے، تو یہ وہ منتھ کا آغاز ہے جس میں آپ یقینی طور کے اوپر جو ہیں بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیت جو ہیں یہ ایک اچھے اور معیاری لیول کے اوپر رہے گی، آپ کوئی ایسے اقدامات جو کہ بہت عرصے سے پینڈنگ چلے آ رہے تھے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو یہ منتھ بھی آپ کا اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا اور یقینی طور کے اوپر فیوریبل رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی خاندان میں اضافے کے حوالے سے پلاننگز کر رہے ہیں اور کوئی اقدامات کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ منتھ جو ہے اگست یہ بھی آپ کے لیے اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا رہے گا کہ اگر آپ کسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہ رہے ہیں، یا اگر آپ کسی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی فیلنگس کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ دونوں اقدامات جو ہیں کینسرینز افراد کے لیے منتھ آف اگست میں بہت زیادہ اچھے اور یقینی طور کے اوپر بہتر رہیں گے۔ اس کے علاوہ لاسٹ ویک آف اگست جو ہے وہ کینسرینز افراد کے لیے اس حوالے سے اہمیت کا حامل ضرور رہے گا، کیونکہ پلانٹری اسپیکٹس جو یہاں پہ بننے جا رہی ہیں سن اور یورینس کی تثلیث کی نظر بنے گی بالکل لاسٹ پہ جا کے، اور سن کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آپ کی آمدن اور پیسے کے اضافے کے وسائل کا پلانٹ ہے، اور یہ جا کے یورینس کے تثلیث کی نظر بنائے گا، تو یہاں پہ آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور خوش آئند رہے گا، کیونکہ جوائنٹ وینچر جو ہیں ان کو یقینی طور کے اوپر فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا، آپ کی فیوریبل پوزیشن جو ہے اس مہینے میں بہتر رہے گی، اور دوسروں کے ساتھ کسی خاص مقاصد کے تحت منسلک ہونا، ان کے ساتھ جڑ جانا، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا، یا اپنی انویسٹمنٹ ان کے ساتھ مل کے لگانا، یہ تمام تر امور جو ہیں کینسرینز افراد کے لیے بہت زیادہ اچھے اور خوش آئند رہیں گے۔ اس کے علاوہ نت نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ان کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھ سکے گا، معاملات کی تہ تک جانا جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خوش آئند رہے گا، کیونکہ تمام تر معاملات جب آپ کے مائنڈ میں اور آپ کے مزاج میں اچھی طرح جو ہے رچ بس جائیں گے، تو آپ چیزوں کو بہتر طور کے اوپر جو ہے آن ٹائم ڈیلیور ضرور کر سکیں گے۔ تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے زوڈیک سائن کی جانب۔
लियो यानी कि बुर्ज असद, बुर्ज असद के हामिल जो अफराद हैं आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट यकम अगस्त से लेके 23 अगस्त तक रहेगा अपने जाती घर में यानी कि अपने असेंडेंट ताले के घर में, जिसकी वजह से आप लोगों की जहनी काबिलियत तो आप लोगों की सोचने समझने की सलाहियत जो है ये बहुत ज़्यादा निखर के सामने आएगी। कायदाना सलाहियत जो है ये आप लोगों की बढ़ती हुई नज़र आएगी। दूसरों को ना सिर्फ आप लीड कर सकते हैं बल्कि दूसरों को उनकी पर्सनल लाइफ में बेहतर तौर के ऊपर हेल्प आउट करने के जो इकदाम हैं वो भी आपकी ज़ात से इंशाल्लाह ज़रूर जो हैं वो अदा होंगे। इसके अलावा मुमकिन तौर के ऊपर आपका इज्जत वक़ार दूसरों की नज़रों में बढ़ सकेगा और यकीनी तौर के ऊपर आप उनके साथ मिलकर अगर कोई पार्टनरशिप के काम करना चाह रहे हैं तो उनमें भी भरपूर फायदा जो है आप यकीनी तौर के ऊपर उससे फायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों का जब जाती लॉर्ड प्लैनेट सन 23 तारीख के बाद 23 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक जब जाके आपके आमदन और पैसे के घर में अपनी प्लेसमेंट जो है उसको यकीनी तौर के ऊपर अच्छी और खुशाइंद रखेगा, तो ये वो प्लैनेटरी एस्पेक्ट है जहाँ पे आप मुमकिन तौर के ऊपर अपने माली और आमदन के वसाइल को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मंथ का जो आप लोगों का आगाज़ था वो अखराजात की सूरत में होता हुआ नज़र आता है। आप लोगों का आमदन और पैसे का जो प्लैनेट मरकरी है ये मंथ ऑफ अगस्त के स्टार्टिंग डेज में रहेगा आपके अखराजात के घर में, जिसकी वजह से मंथ का जो आगाज़ है ये आपका बिला वजह के नागानी अखराजात जो हैं उनकी सूरत जो है ये बरकरार रखते हुए नज़र आएगा, और आप लोगों को थोड़ी सी प्लानिंग और बेहतर हिकमत अमली जो है वो वजह करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर लेके चल सकते हैं अगर पहले से प्लानिंग्स आपके पास मौजूद रहें। क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त जो है ये आप लोगों का अपना महीना है स्पेशली लियो वालों का, और लियो वालों का जो मंथ ऑफ अगस्त का महीना है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और खुश शायद यकीनी तौर के ऊपर रह सकता है अगर पहले से प्लानिंग्स आपके पास मौजूद हों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का अपना लॉर्ड प्लैनेट रहेगा अपने जाती घर में और यहाँ से मूव जब करेगा लास्ट 10 डेज वो चला जाएगा आपके फाइनेंस और आमदन के घर में, तो ये दोनों ही सूरतें जो है मंथ ऑफ अगस्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और खुश आइंद रह सकेंगी। अगर हम लोग आप लोगों की प्लैनेटरी पोजिशन को देखें तो इस महीने में आप लोगों की जो प्लैनेटरी पोजिशन है 7 और 8 अगस्त को सन और मुश्तरी तसलीस की नज़र बनेगी, ये बहुत ही अच्छी और एक खुश आइंद नज़र है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लैनेटरी पोजिशन जो है आपको आगे बढ़ने का मौके और आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला जो है ये अता करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल एनर्जी लेवल आप लोगों का बढ़ जाएगा और आप आगे बढ़ने की चाह लेके चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर जो है डिलीवर कर सकेंगे, ऑन टाइम डिलीवर कर सकेंगे, कुछ ऐसे रिस्क ले सकते हैं जो कि आप अपने मकासद के हसूल के लिए यकीनी बनाने की कोशिश करें तो वो रिस्क जो है आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल और फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा सेकेंडरी प्लैनेटरी पोजीशन जो यहाँ पे आप लोगों की सन की बनने जा रही है वो एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत प्लैनेट यानी कि वीनस के साथ बनेगी, मोहब्बत की देवी के साथ सन और वीनस की किरान की नज़र बनेगी और जदीद इल्म नजूम में ये एक पॉजिटिव नज़र है, जिसकी वजह से पॉजिटिव इमोशन पॉजिटिव एनर्जी जो है ये आपकी जात में पनपती हुई नजर आएगी और अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी रोमानवी माहौल में आप करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी या क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ भी आपकी दिलचस्पी रहेगी और कंसर्न्स जो हैं आपके मॉरल अपनी मॉरल वैल्यूज जो हैं उनको बेहतर करने की तरफ रहेंगी, जिसकी वजह से आपके मिजाज में एक आइडियलिज्म जो है वो जन्म ले सकता है, चीज़ों को हर चीज़ को आप एक अपने माइंड और अपनी सोच के अपनी तख्लीक के मुताबिक जो है वो आइडियलाइज कर सकेंगे और उसके मुताबिक चीज़ों को जब आप लेके डिलीवर करने की पोजीशन में आएंगे अपने प्रैक्टिकल मामला जो है उनको ऑन टाइम डिलीवर करने की पोजीशन में आएंगे तो चीज़ें यकसर जो हैं आपके हक में अच्छी और खुशाइंद रहेंगी, और ये वो प्लैनेटरी पोजीशन है जिसमें आप फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन और फीलिंग ऑफ मोटिवेशन जो है वो यकीनी तौर के ऊपर फेस कर सकें, जिसकी वजह से आपके खुद एतमादी लेवल आपकी पॉजिटिविटी आपकी सोच आपका मिजाज ये तमाम तरह चीज़ें जो हैं आपके मिजाज और फेवरेबल पोजीशन के हवाले से प्रैक्टिकल मामलात में अच्छा और बेहतर डिसीजन लेने की पोजीशन में रहेंगी। इसके अलावा जो एक लास्ट प्लैनेटरी पोजीशन बनने जा रही है 30 अगस्त को ये बनेगी सन और यूरेनस तसलीस की नज़र, ये भी एक अच्छी नज़र है क्योंकि यहाँ पे आप दूसरों के साथ मिल के काम करने का जो जज्बा तमाम महीने लेके चल रहे थे यहाँ पे आपको वो वसाइल मुहैया होंगे कि अगर आप दूसरों के साथ मिल के भी काम करना चाह रहे हैं दूसरों को किसी भी प्रैक्टिकली तौर के ऊपर अपने साथ इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, चाहे वो इखलाकी तौर के ऊपर हो चाहे वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में हो या उनकी प्रैक्टिकल मूवमेंट जो है वो भी आपके काम में मुंसलिक रहेगी, तो ये वो तमाम तरह चीज़ें हैं जो कि आपके लिए मेंटली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन लेके आएगी, चीज़ें जो हैं दूसरों की ज़ात से आपको फ़ायदा दिला सकेंगी, आपको उनकी तरफ से इखलाकी फ़ायदा मिल सकेगा माली फ़ायदा मिल सकेगा मॉरल सपोर्ट जब आपको उनकी तरफ से मिलेगी तो यकीनी तौर के ऊपर चीज़ें जो आपके हक में इस महीने के इख्तिताम में रहेंगी, जिसकी वजह से जो अगला महीना है आप यकीनी तौर के ऊपर उसको बेहतर तौर के ऊपर प्लान आउट कर सकेंगे।
विर्गो यानी कि बुर्ज शुमला, और बुर्ज शुमला के हामिल जो अफराद हैं आप लोगों का जो लॉर्ड प्लैनेट मरकरी है, 2 तारीख को डायरेक्ट होने जा रहा है यानी कि मुस्तकीम हालत में आने जा रहा है, और 2 तारीख को यहाँ पे आप लोगों का जो लॉर्ड प्लैनेट मरकरी है ये रहेगा आपके जायचे के 11वें घर में, आपके अजीज़ो कारिब, आपके बड़े बहन भाई, इसके अलावा आपके ख्वाहिशात, आपकी सोशल गैदरिंग जो हैं उनमें आपको फ़ायदा दिला सकेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्लैनेटरी पोजीशन रहेगी फर्स्ट 10 डेज, और 11 अगस्त तक यहाँ पे ये आपके लिए खुशबख्ती का बायस बनेगा। आपके जो कम्युनिकेशन गैप चल रहे थे, बिजनेस एग्रीमेंट्स बिला वजह आपके डिले हो रहे थे या कारोबारी फवायद जो हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे थे, तो ये पोजिशन आपके लिए बेहतर और खुशाइंद रहेगी कि आपके तमाम तर डिले जो काम में थे, प्रैक्टिकल मामला में थे, सोशल एक्टिविटीज़ में थे, दोस्त हुए आपके साथ आपकी बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रॉब्लम चल रही थी, आपके बड़े बहन भाइयों के साथ आपके बिला वजह के प्रॉब्लम्स थे, तो ये तमाम तरह चीज़ें जो हैं आपके लिए इस मंथ में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके अलावा जब प्लैनेटरी पोजीशन आपकी चेंज होगी यानी कि 11 अगस्त के बाद जब आपका प्लैनेट मरकरी मूव करके चला जाएगा आप लोगों के 12th हाउस में, तो ये वो प्लैनेटरी पोजीशन है जिसमें आपको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको हासदीन की रेशा दमानियाँ जो हैं उनसे भी एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अपने अखराजात को प्लान आउट करें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपने हासदीन के हवाले से जो मामलात हैं उनके हवाले से बेहतर तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान आउट करते रहें। ये वो टाइम फ्रेम है, ये वो बेहतरी तौर के ऊपर इंडिकेशंस हैं कि आपको मामलात को बेहतर करना है, और वो बेहतर करने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, दूसरों के साथ ऐसे अफराद के साथ अपने रवाबत को बहाल रखें जो आपके लिए माजी में भी अच्छे और बेहतर रह चुके हैं, चाहे वो आपके अजीज़ो कारिब हों, चाहे वो आपके बहन भाई हों, चाहे वो आपके कोई दोस्त अहबाब हों, आपके वालदैन हों, ऐसे तमाम अफराद के साथ अपने मरासम को आपने यकीनी तौर के ऊपर बेहतर रखना है। स्पेशली 12 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आपका लॉर्ड प्लैनेट रहेगा आपके जायचे के 12वें घर में कमज़ोर पोजीशन पे, और यहाँ पे जितना ज़्यादा आप अपनी सोच को बेहतर तौर के ऊपर पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें यकसर जो हैं आपके हक में अच्छा और खुशाइंद होती चली जाएंगी। क्योंकि इस महीने में तमाम तर जो बाकी प्लैनेटरी पोजिशंस देखें तो मंथ का जो आगाज़ है ये आपका इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आप लोगों का जो जायचे के 12वें घर का प्लैनेट है सन, ये अपने ही घर में जायचे के इब्तिदा में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे वीनस, मून और मार्स, ये 3 मेजर प्लैनेट्स भी यहाँ पे मंथ के आगाज में अपनी पोजीशन बहाल रखे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मंथ ऑफ अगस्त जो है विर्गो अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आपको पहले से ही इस महीने के आगाज़ पे अपनी प्लानिंग्स जो हैं, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल मैरिट्स के हों, चाहे वो आपके खानगी मामलात की हों, चाहे वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से हों, चाहे वो आपकी रोमानवी ज़िंदगी के हवाले से हों, या अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद की जिम्मेदारियों के हवाले से, हर चीज़ की प्लानिंग जो है वो आपके पास मौजूद रहनी चाहिए। इसके अलावा इस महीने में 2 अहम नज़रें जो हैं वो अतारत की बनने जा रही हैं, जो कि 17 और 18 अगस्त को बनेगा, अतारत और यूरानस तरबी, ये भी एक एहतियात तलब नज़र है। यहाँ पे भी आपको यही इंडिकेशन मिल रही है कि मंथ ऑफ अगस्त जो है इसको आपने मिड ऑफ अगस्त तक तो लाजमी यकीनी तौर के ऊपर प्लानिंग्स को ज़रूर अपने माइंड में रखना है, और जो चीज़ों को आप जैसे प्लान आउट करेंगे, जैसे आपने उनको तरतीब देना है, आपने उसी तरह चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश करते रहना है। ये वो प्लैनेटरी पोजीशन है जिसमें आपको बिला वजह की अपनी सोच, माइंड और आपकी प्लैनेटरी पोजीशन जो है बिला वजह की मुंतशिर ख्यालात जो हैं आपको डिस्टर्ब रखते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने आप को बेहतर तौर के ऊपर प्लान आउट करना है। सेकंड प्लैनेटरी पोजीशन जो आप लोगों की बनने जा रही है वो बनेगी 21 और 22 अगस्त को, और वो बनेगी अतारद और जुपिटर तसलीस की नज़र। ये वो प्लैनेटरी नज़र है जिसमें आपके मुस्बत फैसले, हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी के मुताबिक इकदाम और ऐसी चीज़ें जो कि आप दूसरों से ना सिर्फ सीखें बल्कि उल्टा उनको सिखाने के हवाले से जो अमूर हैं ये आपकी ज़ात से बेहतर तौर के ऊपर डिलीवर होंगे, जिसकी वजह से दूसरों की नज़र में आपका इज्जत और वक़ार का एक रुतबा जो है वो यकीनी तौर के ऊपर बिल्डअप होगा। आपकी पर्सनालिटी दूसरों के लिए एक राह मशल की सूरत अख्तियार करेगी। लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं इस प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से आपकी खुद एतमादी जो है वो बेहतर तौर के ऊपर अपनी ज़ात में पनपती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आप दूसरों की पर्सनल प्रॉब्लम्स को उनके मेंटल लेवल के मुताबिक जाके जो है हल करने की पोजीशन में यकीनी तौर के ऊपर रहेंगे। तो ये महीना जो है स्पेशली मंथ ऑफ अगस्त आप लोगों के लिए 20 अगस्त के बाद का जो टाइम फ्रेम है वो बेहतर तौर के ऊपर अच्छा और यकीनी तौर के ऊपर खुशाइंद रहेगा, लेकिन 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के जो टाइमिंग्स हैं यहाँ पर आपको चीज़ों को पहले से ही प्लान आउट कर लेना चाहिए और अपने मुखलिस अहबाब जो हैं उनका ताउन अपने साथ बहाल रखना चाहिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडियक साइन की जानिब।
लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान, बुर्ज मेज़ान के हामिल जो अफराद हैं आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक रहेगा आपके ज़ाइचे के 11वें घर में। यहाँ पे रहते हुए बुर्ज मेज़ान के हामिल जो अफराद हैं आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट आपको सोशली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। आपकी ज़ात में दूसरों की मदद करने का जज्बा एक बहुत ही अच्छा ग्राफ लेके आएगा, जिसकी वजह से दूसरे अफराद की नज़रों में आपकी इज्जत और वकार का लेवल बढ़ जाएगा। सियासी और समाजी कारकुन जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव और मुतहरिक रहते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुमकिन तौर के ऊपर आपकी ख्वाहिशात जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग चली आ रही थी, तो इस महीने के इन अयाम में आपकी ख्वाहिशात जो हैं ये भी यकीनी तौर के ऊपर पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा यहाँ पे सन जो कि आपके ज़ाइचे के 11वें घर का अपना ज़ाती प्लैनेट है, यहाँ पे इब्तदाई महीने में अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का लेवल दूसरों की नज़रों में बढ़ाएगा। इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अहबाब जो हैं वो शामिल हो सकते हैं जो कि इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से आपको आगे चल के भरपूर फ़ायदा दिला सकें। इसके अलावा कैरियर और कारोबार के हवाले से अगर आपका ये मंथ देखें तो मंथ ऑफ अगस्त जो है आपका ना सिर्फ अहम बिज़नेस एग्रीमेंट्स बल्कि बिज़नेस एग्रीमेंट्स को मज़ीद और ज़्यादा आगे बढ़ाने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी ऑन टाइम मुमकिन तौर के ऊपर डिलीवर कर सकेगा। इसके अलावा प्लैनेटरी पोजिशन, जब वीनस आपके ज़ाइचे में मूव करके नेक्स्ट हाउस यानी कि आपके ज़ाइचे के 12th हाउस में आ जाएगा, तो ये वो प्लैनेटरी पोजिशन होगी स्पेशली वस्त ऑफ अगस्त के बाद का जो टाइम फ्रेम है, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आपके रवाबत दूसरे अफराद के साथ आपके अल्फाज के इस्तेमाल या आपके रवैये की वजह से प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो मंथ ऑफ अगस्त को जहां पे आपने डिवाइड करना है दो पोर्शंस में, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आपने रहना है अपने ऐसे बाप के साथ जो कि आपके लिए रवाबत को बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रखेंगे, तो ये माइंड में पहले से आपने बना लेना है कि पहले 15 दिन आपने जो भी इकदाम करने हैं चाहे वो सियासी हो चाहे वो समाजी हो चाहे वो आपके कैरियर बिजनेस मुलाजमत आपके खानगी मामलात आपके पर्सनल मामलात आपके कोई भी फ्यूचर प्लानिंग्स के हवाले से हो, तो पहले 15 दिन में आपने उनको फाइनल कर लेना है। दूसरे 15 दिन जो है यानी कि 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का जो टाइम फ्रेम है, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आपने अपनी किसी भी तरह की प्लानिंग्स जो है उनको फाइनलाइज नहीं करना जब तक आप अपने बेहतर मुशीर जो हैं उसके साथ डिस्कस नहीं कर लें। हर चीज़ को मुशावरत में रखना है क्योंकि 15 अगस्त के बाद से लेकर के आपका जो ज़हनी तौर के ऊपर कैफियत तो काबिलियत है ये पॉजिटिव रहने की बजाय बिला वजह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके माइंड में उभारती रह सकती है, तो इस चीज़ को आपको बेहतर तौर के ऊपर प्लान आउट करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर हम लोग आप लोगों की प्लैनेटरी पोजीशंस देखें तो इस हवाले से जो पहली प्लैनेटरी पोजीशन आपकी इस महीने बनने जा रही है वो बनेगी 2 और 3 अगस्त को, ये रहेगी जोहरा और यूरानस तरबी की नज़र। तो 2 और 3 दोनों दिन जो है आपने अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है क्योंकि यहाँ पे आपकी अनस्टेबल फीलिंग्स रहेंगी, गैर यकीनी तौर के ऊपर सूरत हाल जो है उसका सामना करना पड़ सकता है और ऐसे जज्बात की अकासी कर सकते हैं जो दूसरों को नागवार गुजर सकती है, तो इस हवाले से कोशिश करें कि चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर प्लान आउट करें। इसके अलावा आपकी जो सेकेंड प्लैनेटरी पोजिशन बनने जा रही है वो जाके बनेगी 9 और 10 अगस्त को और ये बनेगी जोहरा और जुपिटर तसलीस की नज़र। ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव नज़र है, यहाँ पे आपकी सहावत दोस्ती मिलनसारी दूसरों के साथ रवाबत और आपकी अहम तकरीबात जो हैं उनमें शमूलियत यकीनी तौर के ऊपर आपको फ़ायदा दिला सकेगी। इसके अलावा बेहतर तकरीबात के साथ साथ खुद से तकरीबात का इनेकाद या आप कोई ऐसे बेहतर तौर के ऊपर डिसीजंस अपनी लाइफ में इन अयाम में ले सकते हैं जो कि मुस्तकबिल करीब में जाके आपकी इज्जत और वकार का जो ग्राफ है उसको 4 चांद लगा दें। इसके अलावा नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजीशन जो आप लोगों के लॉर्ड प्लैनेट की बनने जा रही है वो बनेगी 14 और 15 अगस्त को और वो रहेगी सन और वीनस किरान की नज़र। ये प्लैनेटरी पोजीशन जो है आपके माइंड में क्रिएटिविटी को उभारेगी, तख्लीकी सलाहियत जो है ये आपकी उभरती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आर्ट के हवाले से जितने भी तालिबिन मफराद हैं उनके लिए ये मंथ जो है बहुत ज़्यादा अहमियत और अफादियत का हामिल रहेगा कि अगर आप कोई अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं कोई प्रेजेंटेशंस आपने डिलीवर करनी है तो ये तमाम तर चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रह सकेंगी। इसके अलावा आपकी सोच में एक आइडियलिज्म जो है वो उभर के सामने आता हुआ नजर आएगा, हर चीज़ जो है वो आपको अपने तखयल अपने मियार और अपनी परफेक्शन के अकॉर्डिंगली चाहिए होगी, तो ये चीज़ जो है आपके लिए बेहतर तौर के ऊपर फ़ायदेमंद भी रहेगी कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि चाहना और होता है और मिलना बिल्कुल ही उसके बरअक्स होता है।
तो ये वो नज़र है प्लैनेटरी पोजीशन, जहाँ पे जो आप चाहेंगे वो आपको यकीनी तौर के ऊपर इंशाल्लाह मिल भी सकेगा, जो रूहानी तौर के ऊपर तस्कीन का बायस बनेगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजीशन जो यहाँ पे आपकी बनने जा रही है वो बनेगी 25 और 26 अगस्त को, और वो रहेगी वीनस और मार्स किरान की नज़र। ये एक बहुत ही सेहतमंद इकदाम की नज़र है कि यहाँ पे हेल्दी पैशन जो हैं आपके रहेंगे दूसरों के साथ, चाहे वो मिल के काम करने के हों, चाहे वो अपनी फिज़िकल हेल्थ के हवाले से हों, चाहे वो आपकी फैमिली मैटर्स के हवाले से हो, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके लिए खुश आइंद और बेहतर रहेंगी, और हेल्दी तौर के ऊपर चीज़ों को आप डिलीवर कर सकेंगे। इसके अलावा सेकेंडरी प्लैनेटरी पोजीशन जो, और जो कि इस मंथ की लास्ट प्लैनेटरी नज़र भी है, वो बनेगी 27 और 28 अगस्त को, और वो रहेगी जोहरा और यूरानस तसलीस की नज़र। ये अहमियत इस हवाले से है कि इस प्लैनेटरी एस्पेक्ट की वजह से आपकी मेंटल क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी तख्लीकी सलाहियत जो है वो बढ़ जाएगी, काम करने की स्पीड में भी इजाफा होगा, काम के मियार में भी इजाफा होगा, और दूसरे अफराद जो हैं आपकी ज़ात, आपकी सोच, आपके काम के मियार को बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज में सराहते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा, और मुनफरिद ख्यालात का इजहार, दूसरों से हट के मुनफरिद ख्यालात का इजहार जो है आपकी अपनी ज़ाती अफादियत और ज़ाती पोजीशन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा मियारी रहेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडियक साइन की जानिब। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक्रब, बुर्ज अक्रब के हामिल अफराद इस महीने में यकम से लेके 19 अगस्त तक आप लोगों का जो लॉर्ड प्लैनेट मार्स है ये रहेगा आपके जायचे के 10वें घर यानी कि वतदुल समा में, जिसकी वजह से आपकी इज्जत वकार कैरियर का जो ग्राफ है ये यकीनी तौर के ऊपर बढ़ेगा, और आपके तमाम तर ऐसे अमूर जो कि आप अपने बिजनेस एग्रीमेंट्स और कैरियर के हवाले से पहले से परेशान कन थे, तो ये मंथ जो है आपके लिए यकीनी तौर के ऊपर बेहतर रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजिशन आपकी जो चेंज होगी वो होगी जाके 20 अगस्त को, 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का जो आप लोगों का हाकिम प्लैनेट मार्स है ये रहेगा आपके जायचे के 11वें घर में, यानी कि आपकी इस ख्वाहिशात जो हैं ये यकीनी तौर के ऊपर इनको बेहतर करेगा, और आपका हल्का अहबाब जो है उसमें भी वसत अख्तियार करेगा। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि मंथ ऑफ अगस्त में आपके लिए खुश आइंद और बेहतर होने जा रही हैं। लेकिन आप लोगों का जो ज़ेली हाकिम, आप लोगों का जो ज़ेली हाकिम प्लूटो है, ये बदस्तूर तमाम महीने में आपके लिए रहेगा जायचे के 3रे घर में, और यहाँ पे ये रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही है, जिसकी वजह से आपको अपने बहन भाई अजीज़ो कारिब सफ़र तमाम तर मामलों में बहुत ज़्यादा अहमियत करने की ज़रूरत है। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं किसी भी ख़ास मकासद के तहत, तो आपको सफ़र करने से पहले सदका जो है वो आपको ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस देखें, तो इस महीने में आपकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है बहुत ही अहमियत की हामिल, दो अहम प्लैनेट्स की पोजीशन आपकी यहाँ बनेगी, और पहली पोजीशन आपकी बनने जा रही है 25 और 26 अगस्त को, और ये रहेगी मार्स और वीनस किरान की नज़र। मार्स वीनस किरान की जो नज़र है ये आपके लिए एक्सट्रीनियस एन्जॉयमेंट जो है आपकी ज़िंदगी में लेके आएगी, जिसकी वजह से आप यकीनी तौर के ऊपर अपने ऐसे तमाम इकदाम जो आप माजी में कर चुके हैं, जो आप पहले से अपने ऑलरेडी इकदाम कर रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके कैरियर, बिजनेस, आपकी इंडिविजुअल लाइफ से रिलेटेड हों, तमाम तर चीज़ों में इस प्लैनेटरी एस्पेक्ट की वजह से आपको यकीनी तौर के ऊपर अच्छा फेज़ अपनी लाइफ का इन्जॉय करने को मिलेगा। आप ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है पुरसकून रहेंगे, मेंटली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स रहते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से मुमकिन तौर के ऊपर कोई सैर व तफरी या ख़ास मकासद के तहत सफ़र जो है वो भी आपकी ज़िंदगी में शामिल हाल रहेगा। इसके अलावा दूसरों के साथ मिल के काम करने का जज्बा, अपनी सेहत के हवाले से अपनी फ़िज़िकल अट्रैक्शन और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भरपूर जो है उसमें इजाफा करते हुए नज़र आएंगे, और दूसरों के साथ मिल के काम करने के जो रवाबत हैं ये भी यकीनी तौर के ऊपर आपको भरपूर फ़ायदा दिला सकेंगे। इसके अलावा सेकेंड प्लैनेटरी पोजिशन जो आपकी यहाँ पर बनने जा रही है वो बनेगी 28 और 29 अगस्त को, और ये बनेगी मार्स यूरेनस तसलीस की नज़र। ये एक बहुत ही अच्छी और खुश आइंद नज़र है, क्योंकि यहाँ पे बुर्ज अक्रब के जो हामिल अफराद हैं उनकी कायदाना सलाहियत बढ़ेगी, आप अपनी ज़ाती पर्सनल लाइफ जो है उसको फोकस करते हुए नज़र आएंगे, आपके तमाम तर ऐसे मामला जो पहले आप दूसरों के लिए करते चले आ रहे थे, दूसरों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाते चले आ रहे थे, तो इस मंथ में आप अपनी ज़ात के लिए कुछ करने के लिए प्लान आउट करेंगे, आप दूसरों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बेहतर करने के इकदाम करते हुए यकीनी तौर के ऊपर नज़र आएंगे, जिसकी वजह से मंथ ऑफ अगस्त जो है ये आपके लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ और
قوت ارادی جو ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ اس منتھ میں آپ کی آئرن ویل رہنے کی وجہ سے آپ ممکنہ طور کے پر ایسے بھرپور اقدامات اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں جو آگے چل کے آپ کو یقینی طور کے پر فائدہ دلا سکیں۔ تو یہ تھا آپ لوگوں کا منتھ آف اگست، اور اس میں آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنی صحت جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے زوڈیک سائن کی جانب۔ سیجیٹیریس یعنی کہ برج اکوس، برج اکوس کے حامل جو افراد ہیں اس مہینے میں آپ کا جو لارڈ پلانٹ جوپیٹر ہے 12 اگست کے بعد سے حالت مستقیم میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے مینٹلی طور کے اوپر آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ریلیکس، کمفرٹیبل اور کانفیڈنٹ فیل کریں گے۔ آپ یقینی طور کے اوپر چیزوں کو بہت زیادہ اچھا اور خوش آئند، بہتر دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جوپیٹر موجود ہے آپ کے اپنے ذاتی ہاؤس میں، آپ کے اسینڈنٹ یعنی کہ آپ کے تالے کے گھر میں، جس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی اور اکثر اوقات آپ کے تمام تر جو پرابلمز اور معاملات ہیں ان میں یقینی طور کے اوپر بہتری جو ہے آپ کی ایک مثبت سوچ سے ہی آ جائے گی۔ آدھے سے زیادہ پرابلمز جو آپ پہلے سے فیس کر رہے تھے، جب آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی بڑھے گی تو آپ کے تمام تر پرابلمز جو ہیں وہیں پہ ہی دم توڑ دیں گے، اور یقینی طور کے اوپر آپ کے معاملات اچھے اور خوش آئند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ آپ کی باقی پلانیٹری پوزیشنز دیکھیں تو آپ کا اپنا لارڈ پلانٹ جوپیٹر جو ہے اس مہینے میں بہت ہی اچھی پلانیٹری اسپیکٹ بناتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اسپیشلی 7 اور 8 اگست کو سن کے ساتھ اس کی تثلیث کی نظر بنے گی، جس کی وجہ سے آپ کی عزت و وقار اور آپ کے کام کے معیار کو بہتر کرنے کے جو اقدامات ہیں ان میں آپ کی عزت و افزائی ہو سکے گی۔ دوسرے افراد آپ کو اچھے الفاظ میں سراہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے حالات سے بڑھ کر دکھنا یا بڑھ کر چاہنا، دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں منوا سکیں گے، جس کی وجہ سے کوئی بھی کام اگر آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے رسک بھی ایون لینا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی کیفیت آپ کے لیے یقینی طور کے اوپر فائدہ مند رہے گی۔ اگلی پلانیٹری پوزیشن جو آپ لوگوں کی بننے جا رہی ہے 9 اور 10 اگست کو جوپیٹر وینس تثلیث کی نظر، یہ بھی ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت نظر ہے اس مہینے کی، کیونکہ یہ وہ پلانیٹری پوزیشن ہے جہاں پہ آپ سیاسی اور سماجی طور کے اوپر بہتر اور اچھے خوش آئند ڈیسیزنز لے سکیں گے۔ اہم تقریبات جو ہیں وہ آپ کی ذات سے ان کا انعقاد ہو سکے گا، یا آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز بہتر ہونے کی وجہ سے دوسروں کی پرسنل پرابلمز جو ہیں ان کو آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رومانوی زندگی جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی اور معنی خیز ہوگی، کیونکہ اس مہینے میں آپ کی تمام تر ایسی خواہشات جو دوسروں کے ساتھ منسلک ہیں، اسپیشلی اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو اپنی محبت کا اظہار کرنا یا اس سے آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یقینی طور کے اوپر پوری ہونے کی وجہ سے اس مہینے میں آپ کو مینٹلی طور کے اوپر بہت ہی زیادہ پرسکون کیفیت دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی اس مہینے کی جو آخری پلانیٹری پوزیشن بنے گی وہ بنے گی 21 اور 22 اگست کو۔ 21-22 اگست کو جوپیٹر اور اتارت کی تثلیث کی ایک اچھی اور خوبصورت اور اسپیشلی اہل علم کے حامل جو افراد ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اچھی اور بہتر رہے گی، اسپیشلی ایسے افراد جو کہ سیجیٹیرینس ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں یا اساتذہ ہیں یا دانشور ہیں یا ایسی فیلڈ سے منسلک ہیں جس کا میڈیا، اخبارات یا پھر انٹرنیٹ یا رسائد و جرائد جو ہے اس سے تعلق ہے، تو ایسے تمام افراد جو ہیں بہت ہی اچھی کیفیت میں رہیں گی، حالات کو بہتر طور کے اوپر انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنی پرسنل لائف جو ہے اس کو بہتر بنانے کے اقدامات کر سکتے ہیں، مثبت ڈیسیزنز آپ کی ذات سے جو ہے وہ آن ٹائم ڈیلیور ہو سکیں، جو کہ دور اندیشانہ فیصلے جو ہیں آپ کی زندگی میں شامل حال رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ نہ صرف اپنی نظروں میں بلکہ اپنے تمام تر جو فیملی افراد ہیں ان کی نظروں میں بھی ایک بہتر اور معتبر شخصیت کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آئیں گے، اور دوسرے افراد آپ کی ذات سے بھرپور استفادہ جو ہے وہ بھی حاصل کریں گے۔ تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے زوڈیک سائن کی جانب۔ کیپریکون یعنی کہ برج جدی، برج جدی کے حامل جو افراد ہیں یہ منتھ جو ہے اس میں بدستور آپ لوگوں کا جو لارڈ پلانٹ ہے اپنے ذاتی گھر میں یعنی کہ اسینڈنٹ کے گھر میں ریٹروگریڈ پوزیشن میں رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایسے تمام افراد جو کہ آپ کی زندگی میں آپ ان کو مخلص سمجھتے ہیں، اپنے ساتھ بہتر جو ہیں ان کی ایڈوائزری پوزیشن سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ مشاورت جو ہیں وہ ضرور کریں۔ خواہ کسی بھی معاملات میں آپ اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل لائف، اپنی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں، اپنی اولاد کے حوالے سے معاملات، اپنی رومانوی زندگی، اپنی ازدواجی زندگی یا اپنی کوئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں، تمام تر شعبہ زندگی میں آپ کو دوسرے لوگوں سے یا اپنے بزرگ افراد سے
مشاورت ضرور کرنی چاہیے۔ کیپریکورنینز افراد جو ہیں اس مہینے میں بہت زیادہ احتیاط کے حامل رہے، کیونکہ اس مہینے میں آپ لوگوں کی اگر ہم لوگ آسمانی کونسل کا نقشہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو جو زائچے کا بارہواں گھر ہے جس میں جوپیٹر اس کا اپنا لارڈ پلانٹ بدستور یہاں پہ موجود ہے، 12 اگست کو یہاں پہ ڈائریکٹ پوزیشن میں ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر کچھ ناگہانی اخراجات جو ہیں وہ آپ کو اس منتھ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام حاسدین جو کہ ابھی تک آپ کی نظروں سے پوشیدہ تھے، وہ بھی بظاہر جو ہیں ان کے چہرے آپ کے سامنے آشکار ہو سکتے ہیں اور ان کو آپ بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ پلانٹری پوزیشن ایک اچھی خوش آئند رہے گی کہ خفیہ حاسدین جب آپ کے سامنے منظر عام کے اوپر آ جائیں گے تو آپ ان سے محفوظ رہنے کے لیے بہتر اقدامات کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ باقی پلانٹری پوزیشن دیکھیں تو آپ کے زائچے میں وراثتی اور قانونی طور کے اوپر جو یہ منتھ اگست ہے، یہ بہت ہی زیادہ جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنز رکھتے ہوئے نظر آ رہے، کیونکہ آپ کے زائچے میں سن بذات خود اپنے زائچے میں آٹھویں گھر میں ابتدائی مہینے میں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وینس، مون اور اس کے علاوہ مارس، یہ میجر تین پلانٹس مزید اور سن کے ساتھ یہاں پہ ابتدائی مہینے میں اپنی پوزیشن بحال رکھتے ہوئے ممکنہ طور پر آپ کے وراثتی انشورنس کلیم، لٹیگیشنز، آپ کے پارٹنرشپ کے حوالے سے جو انویسٹمنٹس کے یا آپ کی ازدواجی زندگی سے جو فوائد کے معاملات ہیں، تمام تر چیزیں جو آپ کے لیے بہتر اور یقینی طور کے اوپر مستحکم اور بہتر رہے گا۔ لیکن ایک چیز آپ نے جو ہے وہ اوائڈ کرنی ہے اس مہینے میں کہ آپ نے یا تو قرض لینا نہیں ہے اور یا قرض دینا نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی صورتیں جو ہیں آپ کے لیے پرابلمیٹک کریٹ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو یہ سوچ کے دیجئے گا کہ قرض کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی، اور اگر آپ قرض لے رہے ہیں تو یہ بھی سوچ کے لیجئے گا مائنڈ میں کہ اس قرض کی بھی واپسی آپ اتنی جلدی نہیں کر سکیں گے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کو جو ہے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا آپ کے پاس ہے اتنے میں اگر آپ قناعت کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہتر ڈیسیژن رہے گا۔ اللہ کے اوپر توکل کیجئے گا تو یقینی طور پر یہ منتھ آپ کے لیے خوش آئند رہے گا۔ اگر ہم لوگ پلانٹری پوزیشنز دیکھیں تو بذات خود آپ لوگوں کا اپنا جو لارڈ پلانٹ سیٹرن ہے اس کی اس منتھ میں کچھ اتنی زیادہ خاص اچھی پلانٹری پوزیشنز نہیں بن رہی، لیکن 7 اور 8 اگست کو سن اور جوپیٹر کی جو ایک اہم نظر بننے جا رہی ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت و حامل رہے گی، کیونکہ آپ کو یہاں پہ غیر یقینی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت جو ہے حاصل رہے گی، اور آپ کو یا تو رکے ہوئے پیسے یا دوسرے افراد سے بلا وجہ جو ہے مالی طور کے اوپر فوائد جو ہیں وہ ممکنہ طور کے اوپر مل سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھی پلانٹری پوزیشن ہے، آپ کی عزت و توقیر جو ہے یہ بھی یقینی طور کے اوپر بڑھتی نظر آئے گی اس پلانٹری ایکسپیکٹ کے وجہ سے۔ اس کے علاوہ 14 اور 15 اگست کو سن اور وینس، اس کی بھی ایک کران کی اچھی نظر بننے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ عزت و وقار، کیریئر اور پرسنل میررز جو کہ آپ کے پرسنل ذاتی کاروباری ڈیسیزنز ہیں یا اہم کاروباری معاہدے ہیں، ان میں یقینی طور کے اوپر بہتر جو ہیں آپ ایک ڈیسیزن لینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے حوالے سے ان کے روز و شب جو ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ پینٹری پوزیشن جو آپ کو بھرپور فائدہ جو ہے اس مہینے دلاتی ہوئی نظر آئے گی، وہ رہے گی مارس اور وینس کی کران کی نظر، یہ بننے جا رہی ہے 25 اور 26 اگست کو۔ اور اس پلانٹری اسپیکٹ کی وجہ سے اگر آپ بیرون ملک سفر کی خواہش رکھتے ہیں یا اگر آپ اپنی جاب سوئچ کر کے جاب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ بھرپور فوائد ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی پسند کی شادی کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کیفیت میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ بھرپور مواقع جو ہیں آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے زوڈیک سائن کی جانب۔ ایکویریس یعنی کہ برج دلو، برج دلو کے حامل جو افراد ہیں آپ لوگوں کا جو لارڈ پلانٹ سیٹرن ہے، یہ بدستور اپنے زائچے کے 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ پوزیشن میں رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اس مہینے بھی اپنے اخراجات اور اپنے خفیہ حاسدین دونوں کی طرف سے پلاننگز اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی شہانہ مزاجی اور شہانہ اخراجات دونوں کو کنٹرول کیجیے گا، اپنی حسب بیجا خواہشات جو ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور خوش آئند رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو ذیلی حاکم یورانس ہے، اس کی پلانٹری پوزیشن بدستور آپ کے زائچے کے 4th گھر یعنی کہ وتد الارض میں رہنے کی وجہ سے 13 اگست کے بعد یہاں پہ یہ ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہوگا، تو تب آپ لوگوں کی لائف میں ایک مزید اور زیادہ بہتر
पोजीशंस को करने की ज़रूरत पेश रहेगी, क्योंकि जब कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन रेट्रोगेड या रिजत पजीर हो जाता है तो आप लोगों को ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जब यूरेनस आप लोगों के जायचे के फोर्थ हाउस में रेट्रोगेड हो रहा है तो आपको अपने खानगी ख़ानदानी और स्पेशली अपनी वालदा की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आपकी वालदा के किसी भी तौर के ऊपर कोई मॉलेज, कोई किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स या डॉक्टर की अगर कोई डेट जो है ड्यू है तो उस हवाले से आपको बिल्कुल भी कोताही करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा एहतियात कीजिएगा अपने खानगी मामलात, अपने फैमिली इश्यूज, इसके अलावा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की सेल परचेज, और अगर आप अपनी सवारी को चेंज करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी बहुत ज्यादा सोच समझ के फैसला करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह मंथ आपके लिए भी किसी भी तौर के ऊपर इन तमाम चीजों के लिए अच्छा और खुश आइंद नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी और खुशाइंद इस महीने में होने जा रही है वो रहेगी आपके अजदवाजी सुख, इसके अलावा आपकी पार्टनरशिप के हवाले से मामला या आपकी कुवत फैसला, क्योंकि आप लोगों के जायचे में सन की एक अच्छी नज़र आपके माइंड के प्लैनेट पर रहेगी इब्तदाई महीने में, उसके अलावा मार्स की अच्छी नज़र आपके माइंड के हाउस के ऊपर रहेगी, इसके अलावा वीनस की एक अच्छी नज़र आपके माइंड के हाउस पर रहेगी। तो ये तमाम तर प्लैनेट्स जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, जब आपके माइंड के ऊपर डायरेक्ट पोजीशन अपनी नज़र जो है वो कायम रखते हुए इस महीने के आगाज़ में रहेंगे, तो फर्स्ट 10 डे ऑफ अगस्त जो है ये आपके लिए इस हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल रहेंगे कि आपकी ना सिर्फ कुवत फैसला बेहतर हो जाएगी बल्कि आपकी डिसीजन पावर, आपकी दूसरों को बेहतर तौर के ऊपर उनके पर्सनल लाइफ में हेल्प आउट करना, राय देना, ये तमाम तरह चीजें जो आपके लिए अच्छी और खुशाइंद रह सकेंगी। इसके अलावा प्लैनेटरी पोजिशन अगर हम लोग देखें तो यहां पर सेटर्न की अपनी तो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन इस महीने में नहीं बन सकेगी, लेकिन आप लोगों का जो जेली हाकिम यूरेनस है ये दो एहतियात वाली नज़रें और इसके अलावा तीन अच्छी नज़रें जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं मिल्की वे के ऊपर ये बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 2 और 3 अगस्त को यूरेनस वीनस तरबी, ये एक जो है एहतियात वाली नज़र है। यहाँ पर आपको अपने ख्याल का इजहार बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने की ज़रूरत है और अल्फाज का चुनाव बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करें। इसके अलावा 17 और 18 अगस्त को यूरेनस मरकरी तरबी की, ये भी एक एहतियात तलब नज़र है कि आप लोगों का बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप दूसरों के साथ बढ़ सकता है और अपनी सोच को एक जगह के ऊपर फिक्स नहीं करें। अगर आपको किसी चीज़ का इलम नहीं है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। अपने नॉलेज को बेहतर करने की कोशिश करें और दूसरे लोगों को थोड़ा सा स्पेस दें कि वो अगर आप कोई चीज़ आपको समझा रहे हैं तो आप उसको डाइजेस्ट कर सकें। इसके अलावा 27 और 28 अगस्त को यूरेनस जोहरा तसलीस की एक अच्छी नज़र बनने जा रही है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल क्रिएटिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आर्टिस्टिक नेचर जो है आप लोगों की बढ़ सकेगी और ऐसे तमाम तालिबे इल्म हज़रात जो कि किसी न किसी तौर के ऊपर आर्ट्स या मीडिया की फील्ड के साथ रिलेट कर रहे हैं तो ये प्लैनेटरी एस्पेक्ट जो है उनके जायचे में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकती है, जिसकी वजह से मंथ ऑफ अगस्त जो है आप लोगों की क्रिएटिविटी, आप लोगों की बेहतर तौर के ऊपर प्रेजेंटेशन या दूसरों से हट के मुनफरद आइडियाज़ जो हैं ये भी आपकी सूरत हाल के लिए यकीनी तौर के ऊपर बेहतर रहेगा। इसके अलावा 28 और 29 अगस्त को यूरेनस मार्स तसलीस की एक अच्छी नज़र बनने जा रही है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको बताए फैसला जो है अपनी यकीनी तौर के ऊपर बेहतर रहेंगे और ना सिर्फ अपनी ज़ात बल्कि दूसरे लोगों को जो है लीड कर सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों की नज़रों में आपका इज्जत वकार का ग्राफ यकीनी तौर के ऊपर बढ़ जाएगा। इसके बाद 30 अगस्त को यूरेनस सन तसलीस की एक अच्छी और खुशबख्त नज़र बनने जा रही है, जिसकी वजह से आप में खुद एतमादी जो है ये बढ़ेगी, खुद एतमादी बढ़ने की वजह से आपका जो नेक्स्ट मंथ सितंबर है उसके हवाले से आप बेहतर प्लान आउट कर सकते हैं चीज़ों को। इसके अलावा दूसरों के साथ किसी भी खास मकासद के साथ मिलना या उनके साथ किसी भी खास मकासद के तहत मुश्तरक नौयत के जो काम है उनका आगाज़ भी आपकी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडियक साइन की जानिब। पाइसिस यानी कि बुर्ज हौत के हामिल जो अफराद हैं मंथ ऑफ अगस्त, इस तमाम महीने में आप लोगों का जो लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर है तमाम महीने में आपके जायचे के 10वें यानी कि बतदुल समा आपके बैतुल इज्जत के घर में रहेगा और यहाँ पे एक अच्छी और खुशाइन बात ये होने जा रही है कि 12 अगस्त के बाद से जुपिटर यहाँ पे मुस्तकीम यानी कि डायरेक्ट पोजिशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके पर्सनल बिजनेस, ज़ाती कैरियर आगे बढ़ने के मौके, इसके अलावा असातज़ा के साथ रवाबित और आपके इज्जत वकार का जो ग्राफ है दूसरों की नज़रों में और आपकी सियासी और सामाजिक हैसियत जो है इसमें यकीनी तौर के ऊपर इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों का जो ज़ेली हाकिम नेपचून है, नेपचून यहाँ पे आपके जायचे के बदस्तूर प्लैनेटरी पोजीशन जो है अपने असेंडेंट यानी कि ताले के घर में रिजत पजीर रहेगा, तो ये प्लैनेटरी पोजीशन जो है आपको थोड़ी सी डिस्टर्बिंग ज़रूर रहेगी लेकिन
जुपिटर की अच्छी प्लानिटरी एस्पेक्ट्स जो हैं ये आपके जायचे में इज्जत वकार और कैरियर और स्पेशली आपके तमाम अरसे जो कि पिछला आपने महीना गुजारा है जुलाई का उसमें जो चीज़ें आपकी डिले चल रही थी, तो 12 अगस्त के बाद से आपकी चीज़ें जो हैं उनका बेहतरी की तरफ रुझान जो है इंशाल्लाह ज़रूर जारी हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बाकी प्लानिटरी पोजिशन हम लोग आपके जायचा के देखें तो मिल्की वे के ऊपर यहाँ पर आपके प्लैनेट जुपिटर जो है बहुत ही अहम नज़र जो है दूसरे प्लैनेट्स के साथ बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 7 और 8 अगस्त को बनाएगा, सन के साथ तसलीस करेगा, आपके कैरियर में ग्रोथ हो सकेगी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपके मिजाज, आपका इज्जत, आपके वकार, तमाम चीज़ों में ग्रोथ जो है देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप हालात से बढ़कर दिखना या हालात से बढ़कर बनने का जो एक ख्वाब लेके अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं, तमाम तर चीज़ें जो हैं आपके लिए अच्छी और खुशाइंद रहेंगी। इसके साथ साथ आपके मॉरल और रिलीजियस इशूज़ दोनों चीज़ें जो हैं आपकी इस मंथ में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रहेंगी और दोनों चीज़ें आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल जो हैं उसको बढ़ाने का एक बेस प्रोवाइड कर सकेंगी, जिसकी वजह से आपकी हकाइक के मुताबिक फैसला लेना और अपने मकासद के हसूल के लिए रिस्क लेना दोनों चीज़ें ही आपके लिए अच्छी और खुशाइंद रह सकेंगी। इसके साथ साथ जो दूसरी प्लैनेटरी एस्पेक्ट बनने जा रही है आपकी इस मंथ की वो बनेगी 9 और 10 अगस्त को और वो रहेगी जुपिटर और जोहरा तसलीस की नज़र, ये बहुत ही अच्छी और खुशाइंद नज़र है। इस प्लैनेटरी पोजिशन में आपकी रोमानवी ज़िंदगी बहुत ही यकीनी तौर के ऊपर बेहतर रहती हुई नज़र आएगी, आपके तमाम तर ऐसे ख्वाहिशात या ऐसे रवाबत जो आपके दूसरे लाइफ पार्टनर के साथ हैं आपकी ज़िंदगी में बेहतर तौर के ऊपर यकसर राहत जो है दिला सकेगी। इसके साथ साथ आपकी ज़ात में सखावत, आपकी दोस्ती, आपका हल्का अहबाब, आपका इज्जत वक़ार, इसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी, माइंड की या तख्लीकी सलाहियत, तमाम तर चीज़ों में जो है आपका मेयार बढ़ता हुआ नज़र आएगा और ऐसे तमाम पाइसेस अफराद जो कि कोशिश हैं या काविश कर रहे हैं अपनी शादी के हवाले से, तो इस प्लैनेटरी एस्पेक्ट में अगर मंथ ऑफ अगस्त में कोशिश की जाए तो आपके हवाले से नसीब कुशाई जो है ये भी यकीनी तौर के ऊपर नज़र आती है। इसके अलावा इस मंथ की लास्ट प्लैनेटरी एस्पेक्ट जो जुपिटर की बनने जा रही है वो बनेगी 21 और 22 अगस्त को। 21 और 22 अगस्त को जुपिटर मरकरी तसलीस की एक अच्छी और खुशाइन नज़र बनेगी। अहले कलम और अहले इल्म अफराद जो हैं इस प्लैनेटरी एस्पेक्ट से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे, आपका इज्जत, आपकी वकार, आपका कैरियर, आपकी ग्रोथ या इवन आपकी अगर जॉब है उसको आप स्विच करना चाह रहे हैं, अपनी जॉब को बेहतर करना चाह रहे हैं, या अगर कोई जिम्मेदारियाँ आपकी ज़ात के ऊपर सौंपी गई हैं और उन जिम्मेदारियों को आप बेहतर तौर के ऊपर निभाना चाह रहे हैं, तमाम तर चीज़ें जो आपके हक में यकीनी तौर के ऊपर बेहतर रहेंगी। इवन आपके जो कुलीग हैं जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, आपके कुलीग्स, आपके हुकाम, आपके इमीडिएट बॉसेस, तमाम तर अफराद जो हैं आपके लिए फवायद दिला सकेंगे। इसके साथ साथ आपकी पॉजिटिव सोच या आपका आगे बढ़ने का जज्बा, तलीम तदरीस और इवन किसी ना किसी नए कोर्स में आपकी शमूलियत या फिर अगर आप अपनी ज़ात से दूसरों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो इस सूरत हाल में भी आपकी ज़ात काफ़ी हद तक जो है मुमकिन तौर के ऊपर बेहतर डिलीवर कर सकेगी। और सबसे जो मेजर बात है कि आप हालात के मुताबिक एक बेहतर फैसला और बेहतर डिसीजन लेने की पोजीशन में रहेंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा इस मंथ का अगस्त का ज़ोडिक साइंस का सिलसिला, जिसको उम्मीद है कि आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे से इम्प्लीमेंट करने के हवाले से कुछ ना कुछ जो है अच्छे इकदाम या प्लानिंग्स जो हैं आपने ज़रूर किए होंगे। इंशाल्लाह ये सिलसिला जो हमारा चल रहा है, जो कि हम लोग मंथली प्रेडिक्शंस AQ TV की जानिब से दे रहे हैं, इसके साथ साथ वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं वो भी आपको ज़ोडिक साइंस के हवाले से मिलती रहती हैं, तो इसी सिलसिले को इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे। और बहुत जल्द हम लोग एक प्लानिंग्स कर रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर न्यूमरोलॉजी का सिलसिला या न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आप लोगों की जो रेमेडीज़ हैं स्पेशली कि कौन से ज़ोडिक साइंस किस महीने में क्या रेमेडीज़ दे सकते हैं और किस महीने में कौन से वज़ाइफ जो हैं किस ज़ोडिक साइन के लिए किस मकसद के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, या इवन अगर आप जानना चाहें कि आपके नाम का इस्मे आज़म क्या है, कौन से अल्लाह ताला के ऐसे नामे मुबारक हैं जो कि आपके नाम के इस्मे आज़म हो सकते हैं, वो अगर आप पूछना चाहें तो मेरे इस नंबर के ऊपर जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है अपना नाम, वालदा का नाम, मुझे आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपका नाम का इस्मे आज़म निकाल के आपको रिप्लाई उसका कर दूंगा। आप उस नाम का इसमें मुबारक जो है वर्द करना शुरू कीजिएगा तो रूहानी तौर के ऊपर आपकी बरकतें जो हैं वो बहुत जल्द बढ़ती चली जाएंगी। इसके अलावा मज़ीद अगर आप कोई भी पर्सनल कंसल्टेंसी अगर मुझसे लेना चाहें तो मैं आप लोगों के लिए हर महीने में रावलपिंडी मौजूद रहता हूँ 20 और 21 एवरी मंथ। इसके अलावा अगर आप मुझे कराची में मिलना चाहें तो 28, 29 और 30 तीन दिन मैं कराची में मौजूद रहता हूँ आपके लिए, आप मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दुनिया में किसी भी मुल्क में हैं और अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं हमारा इल्म नजूम सीख के
اپنے مسائل کا خود حل کرنے کے لیے. تو آپ اس میں بھی ہمارے اسٹرالوجی آن لائن کورسز یا پرسنل لاہور راولپنڈی کراچی میں بھی ہماری پرسنل جو کلاسز چل رہی ہیں ان کا اگر آپ حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے اس کا شیڈول اور اس کے جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے آپ معلومات لے سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور اس سے پہلے کہ میں اجازت لوں آپ لوگوں کو بہت بہت ایڈوانس میں عید اور حج کی مبارک. اے کیو ٹی وی کے تمام ناظرین کو اور زنجانی جنتری اور آئینۂ قسمت کے تمام قارئین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.